आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके जीवन में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं आज की सुबह में परमेश्वर के संग में संगति करने के लिए। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस पूरी प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ गिनती की किताब उसका 6 अध्याय 24, 25 और 26 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, आमीन। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू हारून और उसके बेटे से इन बातों को कह दे कि तुम इसराइलियों को, तुम मेरे लोगों को इस प्रकार से आशीर्वाद दिया करना। किस प्रकार से? पहली बात जो परमेश्वर ने कही कि इस प्रकार से आशीर्वाद देना कि यहोवा परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। हारून और हारून के बेटे जब इसराइलियों को आशीर्वाद दें, जब उनके लिए प्रार्थना करें, तो इस प्रकार से कहें कि यहोवा परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। दूसरी बात जो परमेश्वर ने कही वो कुछ इस प्रकार से है, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, आमीन। दोस्तों फिर परमेश्वर ने कहा कि इस प्रकार से आशीर्वाद देना कि यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। इस प्रकार से उन लोगों को आशीर्वाद देना। फिर तीसरी बात प्रभु ने कही, यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, आमीन। कि यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे जीवन भर शांति देता रहे। दोस्तों यहाँ पर तीन प्रकार के आशीर्वाद परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिए, वो कुछ इस प्रकार से हमने देखे। और आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, दोस्तों आप भी रोज इन आशीर्वादों को अपने बच्चों के लिए कहें, अपने परिवार के लिए कहें, क्योंकि आज हारून तो नहीं है परंतु परमेश्वर के सेवक अपने लोगों को ये आशीर्वाद दे सकते हैं। और यदि आपके पास परमेश्वर का सेवक भी नहीं है तो आप खुद प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, आप इस आशीर्वाद को खुद अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने परिवार वालों को दे सकते हैं। आप रोज उठें और आप परमेश्वर से इसी प्रकार प्रार्थना करें, अपने बच्चों को आशीष दें कि परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर मेरे परिवार को आशीष दे और मेरे परिवार की रक्षा करे। परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे और मेरे बच्चों की रक्षा करे। वो अपना मुख मेरे बच्चों की ओर लगाए रखे और उन्हें शांति दे, उन पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और उसका अनुग्रह उन पर बना रहे। इस प्रकार से आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को, हर एक को इस प्रकार से आप आशीष दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको यह अधिकार दिया। दोस्तों इसलिए जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू हारून से कह कि वो इसराइलियों को इस प्रकार से आशीष दिया करे, उसी प्रकार से दोस्तों परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे भी बातचीत करता है कि हम भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को, लोगों को इस प्रकार से आशीष दें कि परमेश्वर उनके साथ में रहे, उनकी रक्षा करे, परमेश्वर अपना मुख उन पर चमकाए, परमेश्वर का प्रकाश उन पर चमके, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहे, परमेश्वर उन्हें शांति दे, उन्हें आशीष दे। इस प्रकार के आशीष वचन आप लोगों के लिए कह सकते हैं, अपने लिए कह सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कह सकते हैं। क्यों हम ये सब करें? आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब हम 27 पद में पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा है, इस रीति वह मेरे नाम को इसराइलियों पर रखें और मैं तुझे आशीष दिया करूंगा, आमीन। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी रीति से वे मेरे नाम को इसराइलियों के ऊपर रखा करें, यानी कि इस रीति से, इसी तरीके से वो मेरे नाम से इसराइलियों को आशीष दें, तो मैं वैसा ही उनके लिए करूंगा, उसी प्रकार की आशीष से मैं उनको देता चला जाऊंगा। इसलिए मेरे भाइयों, जब आप आशीर्वाद देते हैं, जब आप लोगों को आशीषित करते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन को आशीषित करता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा इस आशीर्वाद को अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए आप कहते रहें, परमेश्वर उनके जीवन में वैसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे।
जय मसीह दी सारियानू। मेरा नाम किरण सागर है ते मैं पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली हाँ। मेरी गवाही ये आ कि मेरा सर जो बहुत सालों तो बहुत ही ज़्यादा दुखदा हुंदा सीगा, जिहदे करके मैं बहुत मैडिसन लैंदी हुंदी सीगी, सुबह शाम मैं मैडिसन लैना पैंदा सीगा। पर जदों तो मैं अमृता दीदी ते पीके भैया दे मैं प्रार्थना सुनन लगी ते उस तो बाद मेरा जो जरा सर दर्द है वह ठीक हो चुका है, मैं चंगाई मिल चुकी है मेरे सर दर्द तो। ते मैं धन्यवाद करती हाँ इस चंगाई लिए मैं अपने यीशु मसीह जी का कि उन्होंने मैं इस सिर दर्द तो चंगाई दी, सर दर्द तो छुटकारा दिता। तो नाल ही धन्यवाद करती हूँ मैं सिस्टर अमृता ते ब्रदर पीके जी का जिन्हों के प्रार्थना करके मेरा जरा सालों 3-4 साल का जोड़ा सर दर्द से वह हमेशा लिए ठीक हो चुका वा। तो मैं सिर दर्द तो बॉडी पेन तो भी मैं छुटकारा मिल चुका वा ते मैं चंगी हो चुकी हाँ प्रभु शनाशरी के नाम न। थैंक यू सो मच जीजस, थैंक यू सो मच जीजस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच अमृता दीदी और ब्रदर पीके, थैंक यू सो मच। आमीन। सो हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों के प्रार्थना का उत्तर उनके जीवन में दिया। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। पिता हम धन्यवादी हैं कि प्रभु आपने रात भर में संभाल कर प्यारे यीशु एक नया दिन प्रभु जी आपने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं प्यारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये नया दिन परमेश्वर हमारी आंखों ने देखा, आज का भोर का प्रकाश हमारी आंखों ने देखा यीशु, इस बात के लिए धन्यवाद। हृदय से आत्मा से हृदय की गहराइयों से प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, जितने भाई बहन आज की सुबह में इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं जो प्रभु भूख और प्यास के साथ में परमेश्वर अच्छे भेड़े बनकर प्रभु तेरे पीछे चलते हैं मेरे खुदा, तुझ पर भरोसा रखते तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, और ये तुझे भाता है जब तेरे लोग तेरी दुहाई देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर जिस प्रकार आज की सुबह में हमने वचन को सुना पिता, धन्यवाद कि तेरा वचन अद्भुत है पिता, और प्रभु आज ये वचन प्रभु हम सब के जीवनों में कार्य करे। आज जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है वो प्रभु उनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए और वो इसके अकॉर्डिंग चल सके, इस प्रकार अपने परिवार अपने बच्चों को आशीष दे सके, क्योंकि ये आशीष आपने हम सब के लिए ठहराई है पिता। जिस प्रकार मूसा ने प्रभु हारून और उसके बेटों से कहा परमेश्वर, उसी प्रकार आज आपका वचन प्रभु हम सब से कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यस माय लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें आशीष देंगे और आप हमारी रक्षा करेंगे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु इस समय प्रार्थना सुन रहे यीशु मसीह, आप उन्हें आशीष दें और उनकी रक्षा करें हर एक दुष्ट से, हर एक दुर्घटना से, हर एक गलत बातों से, हर एक दुष्ट लोगों से आप उनकी रक्षा करें, और प्रभु हर प्रकार की आशीष आप इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों को आप दें मेरे खुदावन। जिस प्रकार प्रभु जी हमने सुना परमेश्वर कि तेरे चेहरे का तेज परमेश्वर हमारे चेहरों पर चमकने पाए परमेश्वर, और तेरा अनुग्रह हम पर होने पाए। हाँ प्रभु जी, आज की सुबह में यीशु नासरी आपसे प्रार्थना है इन भाई बहनों के चेहरों पर आपके मुख का प्रकाश चमके परमेश्वर, और आपका अनुग्रह प्रभु इन पर, इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर सदा के लिए बना रहे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरा मुंह हमारी ओर है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, तू इनकी ओर है, इनकी विनती प्रार्थना सुनने के लिए, इनके प्रार्थना का उत्तर देने के लिए प्रभु तू इनकी ओर है, और अपनी शांति इन्हें देने के लिए। हाँ प्रभु, इनके घर परिवार में, इनके जीवन में आप अपनी शांति को दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर इसी रीति से प्रभु जब हम तुझसे प्रार्थना करें तो तू हमें आशीष दिया करें। हाँ प्रभु, वही ये सारी आशीष आज हम आपके बेटे बेटियों के लिए कहते हैं, जो आशीष वचन आज ये बोले गए हैं प्रभु, आज हम इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, छोटे बच्चे बुजुर्ग नौजवानों के लिए इस आशीष को मांगते हैं और अनाउंस करते हैं पिता परमेश्वर। ये आशीषें हम सब के जीवनों में कार्य करें पिता। धन्यवाद करते आज की सुबह में, आप सबको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, इनके कामों को सफल कीजिए। आज ये जिस भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी आर्थिक तंगियों के लिए, अपने कर्जे के लिए, जो कुछ भी आज इनका प्रार्थना निवेदन है
पिता आपके सम्मुख रखते हैं। यीशु आप दुहाइयों को सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप इनकी दुहाइयों को सुनिए, इनके प्रार्थना का उत्तर दें परमेश्वर। जितने भाई बहनों ने आज सुबह में कमेंट्स किए हैं, अपना एक एक निवेदन भेजा है विश्वास के द्वारा प्रभु, क्योंकि वो तुझ पर विश्वास करते कि एक तू ही मात्र परमेश्वर जो विनती को सुनने वाला परमेश्वर है, जो उत्तर देने वाला परमेश्वर। हाँ खुदा, हाँ प्रभु, इन भाई बहनों का नाम आप जानते हैं, जो कुछ भी आज इन्होंने रिक्वेस्ट दिया है यीशु आप इनके जीवन में पूरा करें। लॉर्ड आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दे, ताकि ये एक बड़ी गवाही के साथ उठ खड़े और तेरी महिमा करे प्रभु जी। धन्यवाद। आज जितने भाई बहन बीमार हैं, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बीमार हैं पिता, यीशु आप उन पर अपने चंगाई भरे हाथ को रखें। हम कहते हैं उनके शरीर के हर प्रकार बीमारी हम डांटते हैं, आज्ञा देते हैं निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, निकलो यीशु मसीह के नाम से, हर एक दर्द निकलो यीशु मसीह के नाम से, हर एक बीमारी निकलो यीशु मसीह के नाम से, कोरोना वायरस निकलो यीशु मसीह के नाम से, हर एक सर के बालों से लेकर पैर तक की बीमारी निकलो यीशु मसीह के नाम से, ये आजाद हो, इनके शरीर चंगे हो यीशु के नाम से, इनकी हड्डियां चंगी हो जाएं, इनकी मांसपेशियां चंगी हो जाएं, इनके नसें चंगी हो जाएं, शरीर का हर एक अंग चंगा हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। इस समय जितने भी भाई बहन बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है, इनके जो जानने वाले हैं प्रभु वो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, उन पर चंगाई भरे हाथ को रखे। हम कहते पिता प्रभु आप उन्हें छू कर चंगा करें और वो भले चंगे स्वस्थ होकर अपने घरों को आए पिता। धन्यवाद जी, समय वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है पिता, यीशु आप उन्हें छू लें और चंगा करें, वो बिल्कुल स्वस्थ होने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता, सबकी आप सुधी लें, उनके प्रार्थना का उत्तर दें, और जो कुछ भी आज के दिन में आपके बेटे बेटियों की जरूरत है उस जरूरत को आप पूरा करें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरत पूरा करें, इनके कामों को सफल करें, इन्हें आशीष दें पिता, और इनके जीवन में आपका कार्य होने पाए। जिन भाई बहनों का आज की सुबह में जन्मदिन है पिता, तेरा धन्यवाद, एक नया साल आपने उनके जीवन में जोड़ा, बीते साल संभाल कर रखा पिता, विनती करते आप इन्हें दीर्घ आयु दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, इनके सपनों को पूरा करें, और प्रभु बहुतायत की आशीषें आप इनके जीवन में दें प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हम विनती करते परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हम सबकी विनती प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। धन्यवाद करते आपके बेटे बेटियों के द्वारा दिया हुआ आपके राज्य में जो दान है, जो बीज है यीशु मसीह, वो 100 गुना फलवंत होकर उनके जीवन में कार्य करे, भरपूरी उनके जीवन में हो, बहुतायत उनके जीवन में हो, किसी भी प्रकार की घटी कमी उनके परिवार में ना हो पिता। और प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि होने दे प्रभु जी, आप उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर, आप उनके कमाई पर आशीष और बरकत दे परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन और आमेन।